गाइज मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही यूनिक सुपर बाइक की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। उसके साथ हम लोगों को हैंडल में मिलती है बाइक को कंट्रोल करने के लिए। ये है 4D हायाबुसा बाइक। यहाँ पर मेरे पास एक और यूनिक चीज है गाइज, इसको बोलते हैं 4D ATV बाइक। इसके अंदर भी इस तरह की एक हैंडल मिलती है, तो आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ ये बाइक के साथ। ये एक फ्यूचरिस्टिक ट्रॉन बाइक है। चलो दोस्तों फटाफट से पहले इन तीनों को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन सी बाइक है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स स्टार्ट। रियल हैंडल होती है ना यार बाइक के अंदर, उसी तरह की हैंडल इसके अंदर मिलती है। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। देखो यार बॉक्स के अंदर से मैंने ATV बाइक को निकाल लिया है। अगर आप ये ATV बाइक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस ATV बाइक को खरीद सकते हो। सबसे पहले इसकी हैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। यार मेरे को जैसे लग रहा है कि मैं कोई बुलेट की हैंडल पकड़ा। देखो बहुत ही ज्यादा यूनिक हैंडल इसके अंदर मिलती है। सामने हेडलाइट है, यहाँ दोनों तरफ दो इंडिकेटर्स दिख जाते हैं और ये इंडिकेटर्स प्रॉपर तरीके से काम भी करते हैं और इसकी हेडलाइट भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, बहुत सारी चीजें दे रखी है। जैसे हम इसको घुमाते हैं अपनी बाइक बहुत स्पीड से दौड़ने भी लगती है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी है, एक रिवर्स का बटन भी मिल जाता है, यहाँ पर एक और बटन मिल जाता है इसकी लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। ओ भाई साहब इसके अंदर तो हम लोगों को 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। इसके अंदर जायरो स्टीयरिंग भी मिल जाती है। ATV बाइक को निकाल लेते हैं यहाँ से। ATV बाइक का जो साइज है थोड़ा सा छोटा मेरे को लग रहा है, ज्यादा बिग साइज की नहीं है, पर इसकी हैंडल देखो गाइस कितनी ज्यादा बड़ी दे रखी है। व्हील्स थोड़े से हार्ड है पर इसके ऊपर ग्रिप बहुत ही अच्छी वाली लगा रखी है। इसके अंदर जो रिम्स है बहुत ही ज्यादा चमचमा रहे हैं। सामने की तरफ हेडलाइट है, इसका इंजन जैसा कुछ डिजाइन बना रखा है कंप्लीटली, यहाँ पर क्रोम में इसको दे रखा है। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी लग जाती है। आज मैं इसके अंदर 7.2 वोल्ट की बैटरी डालकर इसको चलाने वाला हूँ। यहाँ पर सीट वगैरह भी दे रखी है और ये कंप्लीटली प्लास्टिक बनी हुई है। ये ATV के अंदर आज ये बैटरी मैं यूज करने वाला हूं, ये है 360mAh 7.4 वोल्ट की बैटरी। ओके गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं 4D ग्रेविटी इंडक्शन बाइक को। आज एकदम तगड़ा वाला मजा आने वाला है गाइस वीडियो में, इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। तो देखो यार ये एक सुपर बाइक है। तो फटाफट से बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर हमारी हायाबुसा, माय गॉड इसके व्हील्स देखो यार कितने ज्यादा बड़े दे रखे हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक बाइक है इसका बैलेंस खराब हो सकता है, इस वजह से इन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े व्हील्स इसके अंदर लगा रखे हैं। यहां पर इसकी हेडलाइट, हेडलाइट काम भी करती है, साइड में दो इंडिकेटर्स है। यहां पर इसकी स्टीयरिंग और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड इसकी मेरे को लग रही है। यहां पर इसका इंजन दे रखा है, इसका जो टर्न करने का सिस्टम है ये बहुत ज्यादा यूनिक होता है। ये देखो गाइस इस तरह से सामने का व्हील भी घूम जाता है, पीछे का व्हील भी घूम जाता है। ग्रीन कलर में ये काफी ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है। ये है इसकी 4D हैंडल। रिवर्स मोड मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर है, हॉर्न वगैरह भी हम लोग इसके अंदर बजा सकते हैं। नीचे की तरफ इसके अंदर भी 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है इसको ऑन करने के लिए। इस बाइक के अंदर मैं आज यूज करने वाला हूँ 6 वोल्ट 400mAh की बैटरी। यही बैटरी ये बाइक सपोर्ट करती है, इससे ज्यादा बड़ी बैटरी हम लोग इसके अंदर लगा नहीं सकते। अभी अनबॉक्स करते हैं मोटो रोवर बाइक। ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक बाइक है, इसको चलाने का जो सिस्टम है ये बहुत ही यूनिक होता है। फटाफट से देखो इसको भी मैंने यहाँ से निकाल लिया है। इसकी पैकिंग मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। अभी मैं यहाँ से निकाल के बताता हूँ हमारी ट्रॉन बाइक को। ये बाइक के व्हील्स देखो गाइस कितने ज्यादा बड़े हैं, ओह माय गॉड। यहाँ पर इसके व्हील्स के अंदर बहुत सारी LED लाइट्स भी दे रखी है, यहाँ पर रोवर बोल के लिखा है। इसके अंदर भी इस तरह की हैंडल मिल जाती है, सामने हेडलाइट है और इसके अंदर लाइट्स भी आ जाती है। ये देखो गाइस हमारी सुपर बाइक के अंदर दोनों व्हील्स घूम रहे थे, इसके अंदर देखो सिर्फ पीछे का व्हील ही इस तरह से टर्न हो जाता है, इस वजह से 360 डिग्री घूम जाती है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर इस तरह का डिजाइन मिल जाता है। नीचे है बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये भी कंप्लीटली ABS प्लास्टिक से बनाई गई है। अभी इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई भी 4D सिस्टम नहीं मिलता है, कि जॉयस्टिक मिल जाती है बाइक को कंट्रोल करने के लिए। 2.4 GHz का रिमोट है। अभी इसके अंदर बैटरी जो है ये यूज करने वाला हूं मैं, ये है 6 वोल्ट 700mAh की बैटरी। तीनों ही बाइक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। हमारी जो रोवर बाइक है इन दोनों से काफी ज्यादा बिग साइज की है और इसकी हाइट भी इन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा दे रखी है, पर इन तीनों के अंदर पावर बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं ATV बाइक इन दोनों सुपर बाइक्स को हरा पाती है या नहीं आज की वीडियो में। लेट्स गो एंड फाइट। तो गाइस मैं आ चुका हूं बाहर। सबसे पहले 4D ATV बाइक को टच करते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच ऑन कर दिया मैंने। ओह माय गॉड बहुत ज्यादा लाउड है यार इसकी आवाज तो। अब इसकी हैंडल में जिस तरफ टर्न कर रहा हूँ ATV बाइक भी उस तरफ इस तरह से टिल्ट होने लग रही है। इसका सिस्टम बहुत ज्यादा यूनिक है। चलो गाइस अभी इसको चला के भी देख लेते हैं। ओह माय गॉड पावर तो बहुत ज्यादा दे रखी है यार इसके अंदर। यार देखो ये व्हील ही मारने लग रही है जैसे ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। यहीं से हम लोग इसको रिवर्स भी चला सकते हैं। अभी यहाँ पे इसका जायरो सेंसर मैं ऑन कर देता हूँ। जायरो मैंने ऑन कर दिया। देखो गाइस अभी इसको मैं जैसे
हवा में लेफ्ट या फिर राइट कर रहा हूँ उसी तरीके से अपनी एटीवी भी लेफ्ट या फिर राइट को टिल्ट करने लग रही है। ये भी सिस्टम इसके अंदर बहुत ज्यादा यूनिक है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ यार। बहुत ज्यादा मजा आता है इस तरह से इसको चलाने में। अभी इसको मैं बहुत स्पीड से लेके आकर ब्रेक टेस्ट करने वाला हूँ। ब्रेक लगा दिया मैंने यार, ब्रेक इसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब इसके हैंडल के अंदर हॉर्न वगैरह भी दिया हुआ है, हॉर्न काफी लाउड बज रहा है और इसके अंदर वाइब्रेशन भी आता है। वाइब्रेशन यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अभी ये वाली बाइक को टेस्ट करते हैं गाइस, इसके अंदर भी ऑन ऑफ स्विच मिलता है। ऑन करते ही देखो कितनी ज्यादा आवाज आने लगती है इसके अंदर। यहाँ से आप इसका हॉर्न वगैरह भी बजा सकते हो। चलो अब इसको रोड पे थोड़ा सा चला के देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही इसकी हैंडल टर्न कर रहा हूँ वैसे ही अपनी बाइक भी जो है लेफ्ट या फिर राइट को टर्न होने लग रही है। इसकी स्पीड मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, बाकी चलने में एक नंबर है। और इसकी कंट्रोलिंग भी थोड़ी सी हार्ड है यार, क्योंकि इसका सिस्टम अलग है चलाने का, तो इसको चलाने के लिए थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़ती है। बाकी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल बाइक चला रहा हूं। और इसका 4D जायरो सेंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी इसको दूर से लेके आकर ब्रेक लगा के देखते हैं गाइस, इसका ब्रेक प्रॉपर तरीके से लग रहा है यार, बिल्कुल स्पॉट पे बाइक रुक रही है। अभी ये ट्रॉन बाइक को टच करते हैं, इसको टर्न कराने का सिस्टम बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर ये नीचे भी गिर जाती है तो एक बटन दबाकर हम इसको वापस से सीधा भी कर सकते हैं। यार पता नहीं ये कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, और ये खड़े खड़े 360 डिग्री टर्न भी ले लेती है यार। मेरे पास ये एक 4D बुलेट बाइक भी है, ये बाइक भी बिल्कुल 4D हायाबुसा बाइक जैसे ही काम करती है, और इसको भी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसकी ब्रेक भी बहुत स्पॉट पर लग जाती है जैसे आप ब्रेक लगाते हो। ओके दोस्तों, अभी इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों को लगभग मैं सेम स्पीड पे चला रहा हूँ। अभी दोनों के अंदर मैंने जैसे ही फुल स्पीड बढ़ाई है, एटीवी बाइक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे हायाबुसा पूरी कोशिश कर रही है इसको टेक ओवर करने के लिए, पर हायाबुसा बाइक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एटीवी बाइक यहाँ पे क्लियरली जीत चुकी है इस रेस को। अभी इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं गाइस, देखते हैं एटीवी बाइक ये ट्रॉन बाइक को भी हरा पाती है। यानी यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है, ट्रॉन बाइक आगे चल रही थी, पर जैसे मैंने फुल स्पीड बढ़ा दी है वापस से एटीवी बाइक ने टेक ओवर कर दिया है ट्रॉन बाइक को, और ये बहुत ज्यादा आगे निकल चली है। वापस एटीवी बाइक रेस को जीत चुकी है। अभी इन दोनों के बीच में पावर टेस्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में टक्कर बहुत जोरदार की हुई है। यहाँ पर एटीवी बाइक ने पूरी तरीके से व्हीली मारकर पीछे ढकलना चालू कर दिया, और एटीवी बाइक ने पूरी तरीके से चढ़ाई कर दी है 4D बाइक के ऊपर, और ये जीत चुकी है बहुत आसानी से। अभी इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर एटीवी बाइक मेरे को काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। देखो गाइस ये वापस से व्हीली मारकर पूरी पावर लगाकर ट्रॉन बाइक को नीचे गिरा चुकी है। वापस यहाँ पर एटीवी 4D बाइक जीत चुकी है। अभी यहाँ पे रेंज टेस्ट करते हैं गाइस फटाफट से, दोनों को देखते हैं चलाकर। दोनों की रेंज बिल्कुल सेम टू सेम मेरे को लग रही है। देखो गाइस दोनों की रेंज जो है तकरीबन 60 मीटर तक दी गई है, ये बहुत ही ज्यादा गजब की चीज है। एटीवी बाइक को ऑफ रोड में चला के देखते हैं गाइस, क्या ये ऑफ रोड में चल पाती है। यानी यहाँ पर मैं इसको पत्थरों पे भी चला के देख चुका हूँ और मिट्टी में भी चला के देख चुका हूँ, बहुत परफेक्ट तरीके से ये चल रही है। अगर ये नीचे भी गिर जाती है तो गाइस ये वापस अपने आप ही सीधी हो जाती है। 4D हायाबुसा बाइक को भी टच करके देखते हैं ये मिट्टी में चल पाती है। यानी यार ये जस्ट थोड़ा सा चलकर यहाँ पर रुक चुकी है, देखो इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज्यादा कम है। ट्रॉन बाइक को भी चला के देखते हैं, ये तो एक इंच बराबर भी मिट्टी के अंदर नहीं चल पा रही है, इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले तो ये मिट्टी में भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती थी। अभी यहाँ पे लाइट टेस्ट करते हैं, एटीवी बाइक के हैंडल के अंदर इंडिकेटर से जिस तरफ हम हैंडल को टर्न करते हैं उसी तरफ का इंडिकेटर भी यहाँ पर जलने लगता है, और बीच में एक हेडलाइट भी है, ये हेडलाइट भी बहुत प्रॉपर तरीके से काम करती है। और एटीवी बाइक के अंदर भी एक हेडलाइट है और ये बहुत ज्यादा ब्राइट है। नीचे की तरफ बहुत सारी रंग बिरंगी LED लाइट्स भी दे रखी है। 4D हायाबुसा बाइक के अंदर भी बहुत सारी लाइट्स है, नीचे की तरफ रंग बिरंगी LED लाइट्स है। सामने की हेडलाइट बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को इसकी लग रही है। ट्रॉन बाइक की भी हेडलाइट बहुत ज्यादा यूनिक है और इसके अंदर नियॉन लाइट्स दे रखी है। देखो गाइस कितनी ज्यादा यूनिक इसकी लाइट्स नजर आ रही है। और ये बुलेट बाइक की भी हेडलाइट काम करती है और बहुत ज्यादा ब्राइट भी मेरे को लग रही है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इन चारों में से आपको कौन सी चीज पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है अनुभव, मनान, गुरप्रीत, वेदू पटेल, वंश, तन्मय, दीपक, शौर्य, दिवाकर, जहीर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।